फ्रेंड्स, आज जो सब्ज़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही फटाफट बनने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होने वाली सब्ज़ी है। तो अगर घर में कभी सब्ज़ी नहीं लाई हुई हो तो आप ये वाली सब्ज़ी ट्राई कर सकते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे, और ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली हैं, 8-10 कली लहसुन और 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है। अदरक, प्याज और हरी मिर्च को मैंने रफली चॉप कर लिया है क्योंकि हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे, तो ग्राइंडर जार में डाल करके इसको हमें बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो प्याज हरी मिर्च का पेस्ट हमारा यहाँ पर बनकर के तैयार हो गया है। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है, तेल जितना हम जो नॉर्मल सब्जी बनाते हैं उसमें जैसे यूज़ करते हैं उसी हिसाब से लेंगे, और तेल गर्म होने पर इसके अंदर हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे और थोड़ी सी राई डालेंगे। जीरा और राई जब अच्छे से क्रैक होने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे जो प्याज और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था वो, और मीडियम फ्लेम पर प्याज हरी मिर्च के पेस्ट को भून लेंगे तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा प्याज हरी मिर्च का, तब तक हमें इसको भून लेना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला लिया है जिसमें मैंने 3-4 टुकड़ा दालचीनी ली है छोटे वाले, और 2 इलायची ली है, 2-3 लौंग लिए हैं, 4-5 काली मिर्च ली हैं, और ये जो गरम मसाला है इसको हमें दरदरा कूट लेना है इस तरीके से। इधर हमारा प्याज हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो भून चुका है अच्छे से। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ ही इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, और जो हमने गरम मसाला दरदरा कूटा था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे अभी, और सभी मसालों को प्याज में मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम खटाई के लिए डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही के। दही और मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए इनको हम 5-6 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि जो तेल है वो मसाले से सेपरेट हो जाए तब तक हमें इसको भून लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर मसाला भून लेंगे हम। तो 5-6 मिनट में देखिए तेल जो है वो सेपरेट हो चुका है मसाले से और मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें करीब 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और ये जो पानी है इसके अंदर एक उबाल आने देंगे। अब मैंने इधर 1/2 कप बेसन लिया है और बेसन में थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, नमक और करीब 2 चुटकी पर इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो जो पेस्ट है हमें बिल्कुल पतला नहीं तैयार करना है, एकदम गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है बेसन का। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पेस्ट तैयार करें, और इस तरीके का देखिए एकदम गाढ़ा पेस्ट हम तैयार करेंगे। पानी इधर हमारा उबल चुका है। अब मैंने एक कद्दूकस लिया है, और कद्दूकस पे जो हमने बेसन का पेस्ट बनाया था वो इस तरीके से रखते हुए हाथ से यूं रब करना है, और यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है उसको हाई ही रहने दें, पानी जो है उसमें उबाल आते रहना चाहिए। और ये जो हम इस तरीके से बेसन की ये बड़ी या मंगोड़ी तैयार कर रहे हैं ये जैसे ही पानी में जाएंगी ये उबलते हुए पानी के अंदर चिपकेंगी नहीं आपस में, तो गैस की फ्लेम को एकदम हाई रखें यहाँ पे। और ये एकदम झटपट बनने वाली सब्ज़ी है, साथ ही टेस्टी भी बहुत बनती है। तो कई जगह इसको नमकीन की सब्ज़ी बोला जाता है, कहीं इसको बेसन सेव की सब्ज़ी बोला जाता है, हमारे यहाँ पर इसको तुरत मंगोड़ी या तुरत बड़ी की सब्ज़ी बोला जाता है। तुरत यानी कि फटाफट जो बन जाए, इंस्टेंट मंगोड़ी आप इसको बोल सकते हैं। तो कभी आपको थोड़ा जल्दी हो, टाइम कम हो आपके पास में, तो आप ये वाली सब्ज़ी ट्राई कर सकते हैं।
और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। तो देखिए झटपट ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। अब इसको हम 5-6 मिनट के लिए मंगोड़ी को पका लेंगे पानी के अंदर, और उसके बाद में लास्ट में हम इसमें रोस्टेड कसूरी मेथी डाल देंगे। तो कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और लीजिए हमारी तुरंत बड़ी या तुरंत मंगोड़ी की सब्ज़ी बन करके रेडी है। तो बहुत ही फटाफट बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली सब्ज़ी। और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ में इसी चैनल पे।